सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं हॉस्टल में आया हूँ और काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी कमेंट्स के बाद आज मैं एक हॉस्टल के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एन शम्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के ऊपर, कि हम इंडियंस और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं यहाँ पर। सो इस वीडियो के एंड में मैं सब कुछ बताऊँगा, एक्सपेंसिस के बारे में बताऊँगा, जो भी फीस हम यहाँ पर पे करते हैं, साफ़ सफाई के बारे में बताऊँगा, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी मैं इसी वीडियो में बता दूँगा, कुछ थोड़ा सा ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और कायर यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहीं पर बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं आ गया हूँ अभी हॉस्टल के गेट पर, ये हॉस्टल का मेन गेट है और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो दोस्तों, मैं हॉस्टल के अंदर आ गया हूँ और ये यहाँ से बिल्डिंग है हमारी, पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग और सामने एक बहुत बड़ी वाली बिल्डिंग है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ अंदर। ये वाला दूसरा व्यू है इधर की साइड से, ये ग्राउंड और ये मस्जिद हमारी। सो दोस्तों, ये हमारे हॉस्टल का फुटबॉल ग्राउंड है, ये पूरा का पूरा। और ये इधर की साइड हमारी बिल्डिंग है, डिफरेंट बिल्डिंग से ही, ये वाली मबनी बे है और ये वाली मबनी दाल है और ये वाली मबनी गीम है, और इससे पहले वाली जो है वो बिल्डिंग एक मबनी अलिफ है, जो कि यहाँ से नहीं दिख सकती, वो मैं आपको उधर की साइड से दिखाऊंगा चल के। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। और यहाँ से ये पूरा का पूरा एक पैसेज है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये सबसे बड़े वाली बिल्डिंग है मबनी अल रईसी, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, साउथ सूडान, नाइजीरिया और कुछ इंडियंस भी हम लोग। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हॉस्टल है हमारा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। शाम का मौसम हो रहा है अभी। और ये हॉस्टल का कॉरिडोर, शाम का टाइम हो रहा है तो भूत पंगे वाली फीलिंग आ रही है। और ये हमारा रूम 208। तो दोस्तों, ये हमारा रूम है और ये एक सिंगल सीटर रूम है, यानी यहाँ पर जितने भी रूम होते हैं उसमें एक रूम में एक ही बच्चा रहेगा सिर्फ। अब मैं इस रूम के अंदर की आपको फैसिलिटीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर आपका एक पर्सनल फ्रिज होगा और एक अलमीरा, एक टेबल और एक ये बेड, और इसके अंदर एक फ़ैन। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हॉस्टल में एसी है या नहीं है, तो हॉस्टल में एसी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक फ़ैन है छोटा सा, ये आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इसके अलावा इस रूम में इथरनेट कनेक्शन भी है, इंटरनेट कनेक्शन, और वाईफाई भी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड आती है उसमें। और एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी मौजूद है यहाँ पर। और इस रूम में मैट्रेस और पिलो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसलिए आपको सिर्फ अपने घर से बेडशीट लाने की ज़रूरत है। इसके सो जैसा आप लोगों ने देखा, मैंने अभी रूम दिखाया अपने दोस्त का, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना, यानी डाइनिंग के पास, डाइनिंग में कैसे खाना लेते हैं हम लोग, कार्ड पंच कैसे होता है। सो चलें। कॉलेज हमारा बिल्कुल पास में ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कॉलेज की मस्जिद के मीनारे हैं, यहाँ से दिख रही है मस्जिद अल-नूर। रास्ता रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, जो कि हमारा मैस जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, ये सब यहाँ पर बैठ के खाने की जगह है सब। कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं यहाँ पर। सो दोस्तों, मुझे यहाँ पर खाना मिल गया है और मैं आप लोगों को दिखा दूँ खाना। ये खजूर रमज़ान की इफ्तारी के लिए, ये फूल जो कि हम कभी भी नहीं खाते हैं, ये जूस और ये चीज़ और ये रोटी, और इसमें ये दही है और कुछ खीरे हैं सैलड के लिए और एग है। तो ये चीज़ें तो कॉमन रोज़ाना यही मिलती है, पर ये चीज़ जो है चेंज हो के डिफरेंट रोज़ाना डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। और ये यहाँ पर सब्ज़ी है,
आलू की सब्ज़ी, ये भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो बदल के देते हैं। और ये खाना 24 आवर्स के लिए है, सिर्फ यही खाना हम लोगों को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसी में हम लोगों को अपना गुजारा करना है। सो थोड़ा सा ये मुझे सफिशिएंट नहीं लगा। और ये एक स्वीट मैं भूल गया था आपको दिखाना, ये स्वीट है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक रवानी कहते हैं इसको। सो ये वीडियो मैं सेकेंड डे बना रहा हूँ, आज हमको ये मिला है चावल और ये कुछ जैतून है और इसको लोबिया बोलते हैं यहाँ पर, ये आज की सब्ज़ी है। और सेम चीज़ पैकेट में वही है, खजूर जूस और ये जिबना यानी फेटा चीज़, और इसके साथ ये एग, कुकुम्बर और दही। सो इस तरीके से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती रहती है हर दिन। ये यहाँ पर लॉन्ड्री है हमारी, यहाँ पर हम कपड़े धुलने के लिए दे सकते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं कपड़े धोने के लिए। अरे डबल डबल, हाँ। और ये रास्ता बिलियार्ड्स की तरफ जाता है जो कि आज आई थिंक बंद पड़ा हुआ है। हियर यू कैन प्ले टेबल टेनिस। पीछे की साइड बहुत सारा एरिया है, सिटिंग एरिया, यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। और कुछ भी कर सकते हैं। सो ये मैं हॉस्टल के पीछे आया हूँ, चेक आउट एन शम्स, जो हॉस्टल की हमारी कैंटीन है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पूरा हॉस्टल दिखा पाया हूँ सही से। वैसे यहाँ पर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, मुझे काफ़ी बार लोगों ने मना भी किया, तो मैं कुछ चीज़ों की वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश किया और मैं जितना बना सकता था मैंने आपको वीडियो के ज़रिए से दिखाया। रही बात हॉस्टल के एक्सपेंसिस की यानी फ़ीस की, तो हम यहाँ पर हॉस्टल में 3200 पाउंड्स पे करते हैं, जो कि तकरीबन $180 के आसपास होती है। ओके, सो बात करते हैं अब हॉस्टल के टाइमिंग की। तो हॉस्टल की टाइमिंग सुबह 6 बजे के बाद ओपन हो जाता है, आप बाहर जा सकते हैं और आ सकते हैं। और रात के 12 बजे तक की टाइमिंग है लड़कों की, और लड़कियों की टाइमिंग 7 बजे तक है। और अभी रमज़ान चल रहा है तो इस वजह से लड़कियों की टाइमिंग 10 बजे तक की है। लड़कियों में और लड़कों में कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, बस उन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जो कि हमारे यहाँ इथरनेट है और वाईफाई लगा हुआ है। सो उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बाकी सब कुछ सेम है। रूम भी जस्ट एकदम ऐसे ही है जैसे आपको मैंने दिखाया एग्जैक्ट, और बिल्डिंग्स भी सेम है, और फूड भी जो हमको यहाँ जिस दिन मिलेगा वही सेम उनको मिलेगा। सो मेन्यू सब कुछ सेम है, और उनके लिए कपड़े धुलने की भी सुविधा सेम है सब कुछ। और सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ की, हमारे भी हॉस्टल की और दूसरे हॉस्टल की भी, लड़कियों के हॉस्टल की भी। रही बात करते हैं अब कायरो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, सो कायरो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बहुत ज़्यादा मुश्किल है मिलना, इतना ईजी नहीं है मिलना, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है, 800 पाउंड्स के आसपास। सो और वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, और मेरे लिए वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि मैं ऐन शम्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सो इसलिए मेरे लिए वहाँ जाना अलाउड नहीं है। इफ़ पॉसिबल हुआ मेरा कोई दोस्त रहता है तो मैं, हो सकता है कि मैं उसके थ्रू जाके मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। और हॉस्टल में अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप भी है, तो अगर किसी को इमरजेंसी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, बुखार, एडमिट करने की भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। और आपने देखा जिम भी है यहाँ पर, बिलियार्ड्स भी है, और टेबल टेनिस भी है, और कपड़े धुलने की मशीन भी है उनकी। सो सब कुछ हॉस्टल में एकदम ज़बरदस्त है। एडवांटेजेस यही है कि हॉस्टल में टेंशन फ्री बच्चा रह सकता है इजीली, बस थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। बाहर अगर अपार्टमेंट में आप शेयरिंग रहना चाहते हैं तो बाहर थोड़ा सा मतलब सस्ता पड़ेगा, $130 के आसपास।
और समथिंग यानी इंडियन 15,000 रुपये के आसपास में हो जाता है। हॉस्टल में थोड़ा एक्सपेंसिव है तो 18 से 20,000 रुपये के आसपास खर्चा आता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हॉस्टल का खाना बस मुझे सफिशिएंट नहीं लगा, बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है। उसके अलावा बस हॉस्टल का खाना थोड़ा सा सही नहीं है, वो थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, मतलब हाइजीनिक है बहुत ज़्यादा। और हॉस्टल में हेल्थ एंड हाइजीन का बिल्कुल साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। रोज़ सफाई करने वाले आते हैं रूम में भी और बाहर कॉरिडोर में भी और वॉशरूम्स भी सब, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और हॉस्टल मिलना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आप हॉस्टल में आके आप उसके पेपर वर्क जो भी होते हैं वो सब आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जी हाँ, हॉस्टल में एडवांस जमा करना होता है 3,200 pounds, जो कि $180 प्लस $180 फर्स्ट मंथ में देना होता है, जो कि आपको जब आप छोड़ के जाएंगे हॉस्टल तो आपको लास्ट में पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा। सो उसके लिए आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एडवांस आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये रूल है हॉस्टल का। हॉस्टल मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स सो ईजी, बट कायरो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी मेरा कोई जानने वाला इंडियंस नहीं रहता वहाँ पे, और मैंने पता किया कि कोई भी इंडियंस वहाँ पे नहीं है, कोई भी नेपाली नहीं है, कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, सब लोग वहाँ पर अपार्टमेंट्स में रहते हैं। लड़कियों की बात करें अपार्टमेंट्स के लिए, तो लड़कियों को शेयरिंग अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर है यहाँ पर, और गार्ड रहता नीचे सब कुछ, कोई भी इशू नहीं है किसी तरीके का। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली न्यूज एक शानदार वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, ताया मिस्र, ताया हिंद।